और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जो हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उस टॉपिक का नेम आपका क्या रहेगा? टॉपिक का नेम है अपना डू वाही लुक। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डू वाही लुक। इसके अंदर जो अपना तीन लुक आपको बताए थे, कौन कौन से लुक आपको बताए गए थे? फोर लुक, वाही लुक, और आज जो हम कर रहे हैं वो कौन सा है? डू वाही लुक। इसके अंदर क्या है, डू वाही लुक में अलग अपना चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने फोर लुक किया था, फॉर लूप में तीनों कंडीशन एक साथ स्टार्ट की थी हमने। क्या तीनों कंडीशन कौन कौन सी स्टार्ट की थी? कि हमने स्टार्ट किया था इनिशियलाइजेशन वैल्यू, यानी स्टार्टिंग वैल्यू, कंडीशन वैल्यू और इंक्रीमेंट वैल्यू। ये हमने क्या है फॉर लूप के अंदर तीनों कंडीशन एक साथ की थी। फिर हमने किया था वाही लूप। वाही लूप में पहले क्या किया था हमने, स्टार्टिंग वैल्यू, उसके बाद वाही स्टार्ट, फिर लास्ट में क्या है बॉडी ऑफ लूप किया था, फिर अपना क्या है इंक्रीमेंट। इसमें क्या था अपना वाही लुक के अंदर ये स्टेटमेंट। अब जो सिंटैक्स हमने डू वाही लुक का बना रखा है वो क्या है, जैसे पहले अपना क्या स्टार्ट होएगा डू, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे बॉडी ऑफ द लुक। बॉडी के अंदर लुक, जैसे हमने प्रिंट अप किया है, इंक्रीमेंट है, वो चीज हमारी क्या होती है बॉडी ऑफ लुक। फिर कर्ली ब्रैकेट जो हमारी डू वाली स्टार्ट थी वो हमने यहाँ पे क्या की, बंद की। फिर हमने वाहिल स्टार्ट किया, वाहिल के अंदर टेक्स्ट कंडीशन, ये हमने कौन सी वैल्यू लगाई, कंडीशन वैल्यू। इस टाइप से हमारा डू वाहिल के अंदर क्या बनेगा, सिंटैक्स हमने बनाया। इससे आपको समझ आ जाएगा कि डू वाहिल आपका कैसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अपना क्या है यहाँ पे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या रहेगा अपना, नेक्स्ट जो है प्रोग्राम का नेम आपका रहेगा डू वाहिल इन काउंटिंग। जो प्रोग्राम करवाएंगे वो कौन सा है, डू वाहिल में काउंटिंग और डू वाहिल के अंदर रिवर्सिंग काउंटिंग, ये आपका प्रोग्राम रहेगा। अब हम सी लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं। क्या कि हमने सी लैंग्वेज स्टार्ट, ऑल्ट प्लस एंटर से क्या है सी लैंग्वेज का साइज बड़ा करते हैं। ऑल्ट प्लस एंटर से हमने सी लैंग्वेज का साइज बड़ा किया। ऑल्ट एफ, फाइल मेन्यू पे जाएंगे, एंटर करेंगे, न्यू पेज अपना क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है। F5 करेंगे, F5 से क्या होता है फुल स्क्रीन, अपना जो पेज है वो क्या हो जाएगा फुल स्क्रीन पे शो करेगा, यानी जूम साइज हो जाता है। फिर आपका यहाँ पे डबल स्लैश जो यूज किया हमने वो किस लिए यूज किया, कि लाइन का टाइटल देने के लिए डबल स्लैश का यूज किया, यानी वो हेडिंग हमारी क्या हो जाए, हाइड हो जाए। अब यहाँ पे हमने प्रोग्राम का नेम डाल दिया डू वाही लुक इन काउंटिंग। जो हम आज का प्रोग्राम कर रहे हैं उसका हमने टाइटल ये फिल किया। फिर हमने यूज किया हैश। हैश किस लिए यूज करते हैं, प्रोग्राम की प्रोसेसिंग के लिए। इंक्लूड, इंक्लूड क्या आएगा अपना, शामिल होना। STDIO क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये अपनी हेडर फाइल शो करेगा। अब .h मीन्स हेडर फाइल। उसके बाद सेकंड हेडर फाइल हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड हेडर फाइल हमने क्या स्टार्ट की, कोनियो। कोनियो हेडर फाइल हमने क्या किया यहाँ पे स्टार्ट की। कोनियो की फुल फॉर्म पता होना चाहिए सबको, कंसोल इनपुट आउटपुट। डॉट एच मीन्स हेडर फाइल। वॉइड क्या होता है अपना, नल। वॉइड नल। मेन क्या आएगा, फंक्शन। मेन क्या है अपना, फंक्शन। कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये फंक्शन की कर्ली ब्रैकेट हमने ओपन की और क्लोज की। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, कोडिंग को फिल करते हैं। अब जो भी आपको डू वाहिल के बारे में सिंटैक्स बताया वो सिंटैक्स हम क्या है इस कोडिंग के अंदर फिल करेंगे। अब जैसे ही एंटर किया यहाँ पे हमने क्या फिल किया, INT अपना क्या होता है, डाटा टाइप। INT की फुल फॉर्म इंटीजर। अब इसमें हमने वेरिएबल क्या दिया, आई वेरिएबल लिया हमने। कोई भी आप यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हो, ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, आई ले सकते हो, ये हमने वेरिएबल यहाँ पे फिल किया। एंटर। फिर हमने यहाँ पे क्या डाला, CLR SCR, क्लियर स्क्रीन। इसमें क्या डाल दिया हमने, क्लियर स्क्रीन, कि पहले वाले आउटपुट को क्लियर करे और अब वाले आउटपुट को शो करे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हमने डाला I=1, I 1 से चले सेमी कोलम। एंटर।
हमने क्या है सिंटेक्स में क्या बताया था, डू डू स्टार्ट किया, करली ब्रैकेट ओपन, डू की करली ब्रैकेट क्या की हमने, ओपन की। फिर हमारा क्या है यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप, कि जो लूप है उसके अंदर क्या फिल किया हमने, यहाँ पे प्रिंट अप के अंदर डालेंगे इन्वर्टेड कॉमास स्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए, परसेंट डी नंबर के लिए इन्वर्टेड कॉमास बंद सिंगल कॉमा। अब हमने आई के अंदर अपना आउटपुट है तो आई को क्या करवाया हमने प्रिंट अप। फिर क्या डालेंगे इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, ये जो आपने यूज किया है यहाँ पे ये कौन सा है बॉडी ऑफ लूप, कि लूप के अकॉर्डिंग हमने बॉडी तैयार किया। करली ब्रैकेट क्या किया हमने बंद, डू वाली करली ब्रैकेट क्या की हमने यहाँ पे बंद की। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया व्हाइल, व्हाइल के अंदर हमने क्या डाला कंडीशन वैल्यू। अब कंडीशन क्या लगाई हमने, जो आई है वन से चले और आई कहाँ तक चले अपना 20 तक चले, ब्रैकेट बंद सेमीकोलन, क्योंकि ये हमारी क्या है कंडीशन लगाई, तो कंडीशन के बाद हमने क्या लगाया सेमीकोलन यूज किया एंटर। फिर हमने यूज किया गेट सी एच, गेट सी एच मीन्स गेट करेक्टर। अब यहाँ पे F2 से अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे रन करेंगे सेव करेंगे। प्रोग्राम को क्या किया हमने सेव किया। अब किस नाम से हमने प्रोग्राम सेव किया, यहाँ पे count.c, count.c के नाम से हमने प्रोग्राम को क्या किया सेव। अब ऑल्ट F9 करते हैं प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, यानी एरर को चेक करने के लिए किसका यूज करेंगे ऑल्ट F9 का यूज करते हैं। फिर हमने क्या किया एंटर, एंटर करने के बाद अब अपने प्रोग्राम को क्या करवाएंगे रन। रन की शॉर्टकट की क्या होती है अपनी कंट्रोल F9, कंट्रोल F9 करोगे तो जो आपने कोडिंग डाली है उस कोडिंग के अकॉर्डिंग अपने आउटपुट को क्या कर रहा है ये शो कर रहा है। जैसे ही हमने इसमें सिंटैक्स के अंदर आपको बताया था कि जो हम वेरिएबल लेंगे वो पहले क्या स्टार्टिंग वैल्यू ये तो डलती है अपने आई इक्वल वन, फिर हमने क्या स्टार्ट किया डू, डू के बाद हमने क्या लिया बॉडी ऑफ लूप, ये जो आपने यहाँ पे फील किया है ये बॉडी ऑफ लूप है कि बॉडी के अकॉर्डिंग भी हमारा चलेगा, क्योंकि आई के अंदर तो अपना आउटपुट है और आई प्लस प्लस उसके अंदर वन इंक्रीज होता जाएगा, आई लेस देन इक्वल 20 ये हमारी कौन सी वैल्यू होगी कंडीशन वैल्यू। ये अपना फर्स्ट प्रोग्राम था। अब हम कौन सा प्रोग्राम करेंगे सेकेंड प्रोग्राम, फाइल पे गए न्यू। अब यहाँ पे भी हमने क्या डबल स्लैश यूज किया। अब इसके अंदर भी हमने क्या यूज प्रोग्राम का नेम फील करेंगे, जैसे डू व्हाइल इन रिवर्स काउंटिंग डाल दिया, क्या फील किया हमने रिवर्स काउंटिंग। अब हैश का यूज किया, इंक्लूड क्या करेंगे हेडर फाइल दोनों स्टार्ट करेंगे stdio.h, ये हेडर फाइल हमने स्टार्ट की। अब सेकंड हेडर फाइल फिर स्टार्ट करते हैं किस नाम से अपनी कोनियो, कोनियो हेडर फाइल फिर स्टार्ट की हमने। उसके बाद हमने क्या फील किया void, void क्या होता है अपना null, main क्या है function। उसके बाद curly bracket open, curly bracket close, इस टाइप से अपना क्या है curly bracket function की open करेंगे और क्या करेंगे हम close करते हैं। close करने के बाद इनके बीच में हम coding को fill करेंगे। अब coding किस चीज की coding करनी है अपने को, reverse counting की हमें coding करनी है, वो हम कैसे फील करेंगे किसके अंदर फील करेंगे, do while लूप के अंदर हम फील कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमने डाला आई एन टी इंटीजर, इंटीजर के अंदर हमने यहाँ पे ए वेरिएबल लिया, क्या वेरिएबल लिया हमने ए, सेमीकोलन लगाया एंटर clr क्लियर स्क्रीन, ये क्या डाल दिया हमने क्लियर स्क्रीन एंटर। अब स्टार्टिंग वैल्यू ए इक्वल कहाँ से चले 20, क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं उल्टी काउंटिंग कर रहे हैं, तो रिवर्स में क्या होएगा पहले हमने 20 डाला एंटर, फिर हमने यहाँ पे डू स्टार्ट किया, फिर एंटर करेंगे करली ब्रैकेट ओपन। अब डू की करली ब्रैकेट ओपन की हमने, उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या फील किया, यहाँ पे हमने फील किया प्रिंट अप, प्रिंट अप के अंदर स्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए, परसेंट डी नंबर के लिए, इन्वर्टेड कॉमास बंद सिंगल कॉमा, ए को हमने क्या किया प्रिंट अप किया आउटपुट के लिए, ए को प्रिंट अप किया सेमीकोलन। फिर हमने यहाँ पे डाला इंक्रीमेंट वैल्यू,
a++ सेमीकोलन एंटर कर्ली ब्रैकेट बंद, क्योंकि दो वाली जो कर्ली ब्रैकेट हमने स्टार्ट की थी उसको यहाँ पे क्या किया हमने, बंद किया। बंद करने के बाद हम किसको स्टार्ट करते हैं, कंडीशन वैल्यू को हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने कंडीशन क्या डाली, व्हाइल ब्रैकेट स्टार्ट ए ग्रेटर देन इक्वल वन की, जो अपना क्या है ए ग्रेटर देन इक्वल क्या डाल दिया हमने वन, वन से क्या है कंडीशन लगाई, कंडीशन हमने 20 डाले, 20 से चले हमारा और कंडीशन क्या डाली है वन तक अपना चले, तो ये वन तक अपनी कंडीशन चलेगी। गेट सी एच क्या होता है, गेट करेक्टर सेमीकोलम कर्ली ब्रैकेट बंद, जो हमारी फंक्शन वाली कर्ली ब्रैकेट हमने मेन के बाद स्टार्ट की थी वो गेट सी एच के बाद क्या करेंगे उसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद देखो डू वाली जो कर्ली ब्रैकेट है वो किसके बाद स्टार्ट, किसके बाद बंद होगी अपनी, बॉडी ऑफ लूप के बाद हमारी क्या है कर्ली ब्रैकेट बंद होगी। उसके बाद F2 से हम फाइल को क्या करते हैं सेव करेंगे, F2 से फाइल सेव, F3 से फाइल को क्या करते हैं ओपन करते हैं, Alt F9 से कंपाइल करते हैं, Control F9 से क्या करते हैं रन। ये शॉर्टकट की अपनी डेली यूज में आपकी रेगुलर चलती आ रही है और आपको सारी शॉर्टकट की भी पहले भी फील करवा दी है। तो शॉर्टकट की अपनी क्या है F2 से हमने फाइल को सेव किया, अब सेव किस नाम से किया हमने रिवर्स डॉट सी, इस नाम से अपने फाइल को क्या किया हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब क्या है हमने जैसे यहाँ पे सेमी कोलम फिल नहीं किया तो जैसे ही आप कंपाइल करोगे ऑल्ट F9 तो देखो यहाँ पे कितनी एरर दिखा दी इसने, एक सेमी कोलम की भी क्या दिखा दी इसने मिस्टेक, री एंटर करोगे तो ये मिस्टेक अपने को चेक करनी है, तो आप कैसे चेक करोगे स्टेटमेंट मिसिंग सेमी कोलम, एंटर किया तो ये सेमी कोलम हम यहाँ से जहाँ पे अपना कर्सर आता है उससे ऊपर वाली लाइन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेमीकोलम फिल नहीं किया, सेमीकोलम ने यहाँ पे फिल किया, F2 से सेव किया, आप ऑल्ट F9 करोगे तो अपनी एरर क्या दिखा रहा है जीरो दिखा रहा है, अपना प्रोग्राम क्या दिखा है इसने सक्सेस दिखाने के बाद हमने इस प्रोग्राम को क्या किया रन करेंगे, कंट्रोल F9 से हमने प्रोग्राम को क्या किया रन। अब देखो इसमें भी क्या है हमने रन करने के बाद इसको क्या करेंगे सी लैंग्वेज को बंद करते हैं, हम सी लैंग्वेज को बंद किससे करेंगे ऑल्ट एक्स से करो या फिर यहाँ पे क्लोज का साइन आएगा उससे भी क्लोज कर सकते हैं। अगर इसमें क्या है चेंजिंग करना चाहते हो तो चेंज भी हम कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज करने की बजाय चेंज भी इसमें कर सकते हैं। अब चेंजिंग देखो आपने क्या है किस चीज का प्रोग्राम किया था रिवर्स, और हमने क्या किया यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, लेकिन हमें क्या करना था रिवर्स में क्या होता है डिक्रीमेंट, ये चीज आपको नोट करवाइए कि जो हमारा क्या है रिवर्स में क्या होगा घटता जाएगा, तो घटने के लिए हम किसका यूज करेंगे कौन सी कंडीशन का यूज करते हैं डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट किस लिए करते हैं प्लस प्लस के लिए, और डिक्रीमेंट किस लिए करेंगे माइनस माइनस के लिए इसका यूज किया जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ए माइनस माइनस, अगर प्लस प्लस कर दोगे तो अलग सी काउंटिंग अपनी शो करेगा। अब F2 से फाइल सेव की कंट्रोल F9 करोगे तो अब आपका आंसर सही दिखाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस प्लस को फिल किया था ताकि आपको पता चले कि प्लस प्लस और माइनस माइनस में क्या डिफरेंस है। जैसे माइनस माइनस करते हो 20 में से 1 माइनस करोगे तो 90 आ जाएगा, 19 में से 1 माइनस किया तो 18, इस टाइप से हमारे क्या है यहाँ पे आउटपुट शो करेगा। अगर प्लस प्लस करते हो तो 20 में 1 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 21, इस टाइप से हमारे क्या है प्रोग्राम यहाँ पे शो करेगा, इसके आउटपुट को कोडिंग के अकॉर्डिंग दिखाएगा। अब हमने यहाँ पे कोडिंग की रिवर्सिंग काउंटिंग की और सिंपल काउंटिंग हमने दोनों प्रोग्राम यहाँ पे फिल किए। अब दोनों प्रोग्रामों का आउटपुट भी आपने देखा है कि आउटपुट शो कर रहा है, जो सिंपल अपनी काउंटिंग है वो तो 1 से 20 तक दिखा रहा है और जो रिवर्स काउंटिंग है वो कहाँ से दिखा रहा है 20 से 1 तक अपनी काउंटिंग को शो कर रहा है। अब जो हमने क्या है प्रोग्राम किए है उन प्रोग्रामों को आप उनका स्क्रीनशॉट लेंगे और उनके बारे में बताएंगे कि आपको क्या चीज समझनी है। अब देखो रिवर्सिंग काउंटिंग का स्क्रीनशॉट लेंगे सभी,
और नई वीडियो के लिए आरसीआईटी हरियाणा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।